सोनीपत में बदमाश इतने बेखौफ हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए जिस टीम का गठन हरियाणा पुलिस द्वारा किया गया, यानी कि एसटीएफ टीम पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों में से एक ने स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर जा रही टीम पर सबसे पहले लिफ्ट मांगी और जब लिफ्ट देने के लिए गाड़ी रोकी गई तो दो बदमाशों ने पूरी टीम पर पिस्तौल तान दी। जब टीम ने अपना परिचय दिया तो बदमाश भाग खड़े हुए और मुठभेड़ के बाद तीनों को धर दबोचा। इन पर पहले भी लूट, हत्या और गाड़ी छीनने के मामले दर्ज हैं। आरोपियों में से तीन और लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी संदीप निवासी कुमासपुर, विशाल निवासी मेरठ यूपी और सत्यवान निवासी मल्ला माजरा सोनीपत का रहने वाला है। वहीं इनके पास से दो अवैध पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस इनको कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लेगी ताकि अन्य घटनाओं का खुलासा हो सके। तस्वीरों में दिखाई देने वाले ये तीनों वही बदमाश हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही एसटीएफ टीम को ही निशाना बना लिया। इनमें से एक बदमाश ने पहले गाड़ी में सवार एसटीएफ की टीम से लिफ्ट मांगी, पर फिर दो अन्य बदमाशों ने टीम पर पिस्तौल तान दी। टीम ने जब अपने बारे में बताया तो भाग गए। जब पुलिस ने पीछा किया तो एक ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई और तीनों बदमाशों को पकड़ा गया। हमारी टीम, हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशन आई है एफआईआर नंबर 61/2018, जिसमें गोल्ड की लूट हुई थी 4.5 करोड़ की। उसकी इन्वेस्टिगेशन करके टीम जो है मुरथड़ से रोड से, और हमारी जो सरकारी गाड़ी है उसमें तेल डलवाते हैं बड़वासनी के पास सूरज पेट्रोल पंप है उससे, तो वहाँ पे तेल डलवाने के लिए रात को जा रही थी, ये करीब 9:30 बजे की बात है। तो उस टाइम एक बंदे ने, एज बंदा था, उसने गाड़ी को हेल्प के लिए जो है ना लिफ्ट का इशारा किया, तो गाड़ी को रोका गया। जैसे ही गाड़ी अपने टीम ने रोक की तो तभी दो नौजवान लड़के हथियारों के साथ जो है ना गाड़ी के ऊपर टूट पड़े, जिन्होंने कहा कि गाड़ी से नीचे उतर लो और जो जो अपने पास लिए गए हो वो दे दो। तब जो अपनी पुलिस टीम थी उसने हमारे पास AK-47 थी, बड़ा वेपन दिखाया और अपना परिचय जब सब इंस्पेक्टर नरेश ने दिया कि भाई हम पुलिस पार्टी से हैं, तो वो ऐसा सुनते ही जो है ना सभी दोनों दिशाओं में वो उस साइड भाग निकले, और भागते भागते तब टीम उसके पीछे लगी, तो उन्होंने भागते हुए ना पुलिस पार्टी के ऊपर एक फायर किया जवाब में उनको रोकने के लिए और आत्मरक्षा में उसको पकड़ने के लिए जो है ना एक हवाई फायर पुलिस की पार्टी की तरफ से भी किया गया। बड़ी मकसद के बाद जो है ना तीनों आरोपियों को काबू किया गया। तब उन तीनों आरोपियों ने सरेंडर किया। उसके बाद उनसे दो अवैध पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसके संबंध में सदर थाने में जो है ना मुकदमा दर्ज करवाया गया। नाम क्या था इनका? नाम, एक का नाम सत्यवान है, एक का नाम विशाल है, एक का नाम संदीप अलियास छोटा है। इससे पहले भी इन्होंने, ये गाड़ी स्नेचिंग का काम करते हैं और भी लूट डकैती मर्डर के मुकदमे में ये वांटेड है। पहले भी जो इन पे काफी सारे जो है ना इनके ऊपर 15-20 मुकदमे पहले भी रहे हैं, तो सभी अंडर ट्रायल, कुछ का डिसीजन हो गया, कुछ अंडर ट्रायल चल रहे हैं। अभी इन्होंने जो रिसेंटली तब से जेल से बाहर आए हैं, ये जेल से बाहर आकर इन्होंने मेनली अभी तीन मुकदमे हमारे बताए हैं। एक तो समाड़का से ब्रेजा गाड़ी छीनी थी, बंदे को किडनैप करके उसके साथ मार पिटाई करके उसको फेंक दिया, ब्रेजा गाड़ी लूट ली। उसके बाद एक गाड़ी हमारे राई थाना के एरिया से, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो है ना, एक राई थाने के एरिया से इन्होंने पिस्टल पॉइंट पे छीनी, और एक गाड़ी महाराणा चौक प्रताप से I-10 गाड़ी, वो भी इन्होंने छीनी है, जिसमें ये तीनों मुकदमों में अभी फरार चल रहे थे नहीं, और इन गाड़ियों को ये यूपी में ले जाके बेच देते हैं। अब आगे क्या रहेगा इनको? आगे अभी इनको पकड़ा है, इनसे और पूछताछ की जाएगी कोर्ट में जो है ना, इनको आज पेश किया जाएगा, इनसे पुलिस रिमांड लिया जाएगा। जो जिन जिन मुकदमों में ये वांछित चल रहे हैं उन सब में शामिल तफ्तीश करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उन मुकदमों में इनको
जो मानते हैं।